कितना करंट जा रहा है यहाँ पर था, राइट? तो दैट मींस एंड व्हाट इज द मैटर, मैटर अप्लाई नोडल एनालिसिस और अप्लाई मेश एनालिसिस, राइट? नोडल एनालिसिस मींस KCL, that means नोड्स पर आपको क्या लगाने हैं, KCL लगाने, राइट? जैसे पिछले सवाल में किया
वोल्टेज बताइए, वोल्टेज मैग्नेट से सिंपल करेंगे n भी व्हाट इज प्लस करेंगे n क्या होगा n प्लस करेंगे माइनस करेंगे प्लस करेंगे वेरी गुड व्हाट इज नेक्स्ट एलिमेंट माइनस माइनस हां माइनस भी वेरी गुड व्हाट इज नेक्स्ट एलिमेंट माइनस 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 वेरी गुड क्लियर क्लियर है सेकंड क्वेश्चन एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस एनीबॉडी कंडीशन इतना ही है ये जो बेस्ट एलिमेंट अगर मैग्नेट की पॉजिटिव भी निकल रही है तो क्या होगा प्लस होगा राइट और अगर मैग्नेट पॉजिटिव एंटर कर रही है तो क्या होगा माइनस देखिए आई भी क्या है मैग्नेट प्लस टर्मिनल से बाहर आ रही है इसका मतलब ये एंटी के भी प्लस है लेकिन यहां जो आई को ये क्या कर रही है मैग्नेट के प्लस टर्मिनल पे इंटर हो रही है दैट मींस क्या होने वाली है सिमिलरली किया माइनस ठीक है अभी मैट्रिक का सॉल्व कर सकते हैं क्लास 11 प्रॉब्लम हो गया ये सो व्हेन यू सॉल्व दिस मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर 1 कम आउट टू बी व्हाट इज दैट इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 राइट एंड व्हाट इज दैट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन इज 8i माइनस 8i1 प्लस 20i2 माइनस 12i3 इक्वल टू माइनस 3 इक्वेशन नंबर 2 एंड व्हाट इज दैट इक्वेशन माइनस 12i1 प्लस 26i2 सॉरी i3 माइनस 12i2 प्लस 26i3 इक्वल टू माइनस 6 इक्वेशन नंबर 3 राइट 3 इक्वेशन 3 एंड 1 कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन Can you solve this? Can you easily solve this? I1 come out to be? I1 is 1.305 ampere. I2 is 0.1739 ampere. And I3 is minus of 0.150 ampere. आगे करेंट्स आगे आपसे पूछा क्या गया है क्या पूछा गया आपसे पूछा गया है कि एटम का रिएक्शन कितनी कितनी करंट का बताइए कितनी करंट को क्यों बोलते हैं बताइए इस एटम के रिएक्शन में कितनी करंट जा रही है यस वेरी गुड आई वन माइनस आई टू यानी क्या करा जाएगा अपन कितना 0.86 Right? So now you can solve this equation using calculator also. Very easy. ये वाला calculator आप ले लीजिए. इस calculator में सिर्फ coefficient fill करने हैं आपको. Coefficient fill कर दो within few seconds.